ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश, बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे जीवन में कभी निराश मत होना। जब मैं परीक्षा लेता हूँ तो बस मौन रहो और अपने बाबा पर विश्वास रखो। जब परीक्षा होती है तो परीक्षक और शिक्षक दोनों मौन रहते हैं। जब तुम्हारी परीक्षा हो रही है तो क्या मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ? मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी तो तुम्हारा वक्त भी बदलेगा। मैं जानता हूँ कि बहुत देर लग रही है, लेकिन जीवन से कभी निराश मत होना। क्योंकि तुम्हारा वक्त बुरा है, हालात बुरे हैं, ज़िंदगी बुरी नहीं है। जो तुम जीवन में चाहते हो वो सब तुम ज़रूर पाओगे, और बहुत जल्द वो समय तुम्हारे जीवन में ज़रूर आएगा। आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो। जब भगवान पर विश्वास करते हो तो फिर क्यों चिंतित होते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी और के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। और जीवन में सब कुछ बदलेगा। अच्छा बुरा समय हर इंसान के जीवन में आता है, तो अब आपका बुरा समय समाप्त होने जा रहा है और जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आपके बाबा आपको इतना सब कुछ देंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। जब भगवान हमें सबसे अच्छा कुछ देना चाहते हैं तो उससे पहले ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर भी हमारे जीवन में ज़रूर आता है, क्योंकि वो भी तो देखना चाहते हैं कि सोना खरा है या खोटा है। वो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जो भक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो वो जीवन में सब कुछ ज़रूर पा लेता है। और आप किस बात की चिंता करते हो? जब भगवान आपके साथ हैं तो आप उनका चिंतन कीजिए। हर किसी के सामने अपनी परेशानी मत रखिए। कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, सहायता करेंगे तो ईश्वर करेंगे। अगर कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है तो उस ईश्वर से कहो, क्योंकि हर मुश्किल का हल उनके पास है, हर मर्ज की दवा उनके पास है। लोग कभी आपकी सहायता नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा आपका उपहास किया जाएगा। क्योंकि जब कोई हमारे मन की स्थिति को जान लेता है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो लोग टूटे हुए इंसान को और तोड़कर चले जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई मकान कच्चा होता है, गिर जाता है, तो लोग उसकी ईंटें तक उठा ले जाते हैं। इसलिए अगर आप टूटे भी हो, हारे भी हो, तो किसी से भी अपने मन की परिस्थिति मत कहो, क्योंकि ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपको और तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप कभी जीवन में खुश रहें। दुनिया में बहुत बुरे लोग भी हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोग आपकी खुशी चाहते हैं तो कुछ लोग आपको जीवन भर दुख ही देखना चाहते हैं। लेकिन कोई लाख कोशिश करे, अगर कोई हमारा बुरा चाहता है तो वो चाहकर भी हमारा बुरा कभी नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, और वो सब कुछ देख रहे हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे, कोई चाहकर भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने हर कर्म को ध्यान से कीजिए, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा, ना किसी जाति का, ना किसी धर्म का। क्योंकि भगवान ना हमसे हमारा जाति पूछेंगे, ना हमारा धर्म पूछेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ कर्मों का हिसाब करेंगे, और हर एक कर्म का हिसाब होगा। अच्छे कर्म का फल थोड़ा देर से मिलता है और बुरे कर्म का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन अब आपका जीवन स्तर पूरी तरह से बदल जाएगा। जो दुख, जो परेशानियाँ जीवन में आई, अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। जो बुरा वक्त था वो गुजर चुका है, वो आपका अतीत था, अब कभी लौटकर जीवन में नहीं आएगा। अब सिर्फ जीवन में आगे बढ़ो, मेहनत करो, प्रयास करो। बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव।